नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो पंपकिन की बेल हमारी गली में प्राकृतिक रूप से उग गई थी उसके एक पंपकिन की हार्वेस्टिंग करेंगे। इसके लिए हमें सीडी का प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी गली से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर यह पंपकिन लगा हुआ है। और लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। ऊपर से देखने पर यह पंपकिन इस प्रकार से नजर आ रहा है। इसके चारों तरफ एक कांटेदार तार लगाया गया है और उसके ऊपर फूल की बेल चढ़ी हुई है। अब हम अपने चाकू की सहायता से पंपकिन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसको बाहर निकालने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा है। हार्वेस्टिंग के बाद यह पंपकिन इस प्रकार से नज़र आ रहा है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इसके टेक्सचर को अगर ध्यान से देखेंगे तो मन मोहित हो जाएगा। और अब हम इस पंपकिन का वजन भी करके देखेंगे कि इसमें कितना ज़्यादा वजन है। इस पंपकिन का वजन 5 किलो 920 ग्राम है। यह लगभग 6 किलो के करीब है और यह मेरे अभी तक के उगाए गए सबसे ज़्यादा बड़े पंपकिन है। और अब इसको हम कट करके दिखाते हैं यह अंदर से किस प्रकार से नज़र आएगा। इन पंपकिन का स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि हम इनको ज़्यादातर सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं क्योंकि इनका टेस्ट बिल्कुल खीरे की तरह लगता है और यह बिल्कुल प्राकृतिक रूप से उगाए गए हैं। साइज बड़ा होने की वजह से इसको काटते वक्त भी जोर लगाना पड़ रहा है। कटने के बाद पंपकिन इस प्रकार से दिख रहा है। अभी जो आप फोटो देखेंगे वह हमारे पिछले पंपकिन के हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।